तो भाई अगर तुम लोगों का क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम लोग सही से जिगल नहीं दे पाते हो, तुम्हारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ कि तुम लोग एक अच्छा जिगल कैसे दे सकते हो, और साथ में मैं तुम लोगों को इस वीडियो में जोनाथन की सीक्रेट मूवमेंट की टेक्निक बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से जोनाथन की क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को जिगल के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई देखो, अपने ना यूजुअली दो जिगल होते हैं जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक होता है शॉर्ट जिगल और एक होता है लॉन्ग जिगल। अब बंदों को ना इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि हमें किस टाइम पे कौन सा जिगल यूज़ करना है और यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, क्योंकि भाई जिगल एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करनी होती है। और भाई अगर तुम लोगों ने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में गलत तरीके का जिगल यूज़ किया ना, तो भाई वहाँ पर तुम्हारी पेटी बनने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें शॉर्ट जिगल के बारे में बता देता हूँ। तो भाई शॉर्ट जिगल ना तुम्हें हम इसे तब यूज़ कर रहे हैं जब एनिमी तुमसे 10 मीटर से कम की रेंज में हो, मतलब 0-10 मीटर की रेंज में अगर बंदा है तो तुम्हें शॉर्ट जिगल यूज़ करना है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो भाई अभी तुम लोगों ने देख लिया होगा कि 10 मीटर से कम की रेंज में शॉर्ट जिगल कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम्हें शॉर्ट जिगल की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो भाई सबसे पहले तो तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है, और भाई यहाँ पे जो तुम्हें टेबल दिख रही है ना, तुम्हें इसके लेफ्ट एंड टू राइट एंड में ऐसे मूवमेंट देनी है। मतलब एग्जैक्ट तुम्हारी मूवमेंट इतनी होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना ही इससे कम। और भाई इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, और भाई तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भाई तुम्हें ना फाइट के बीच में सोचना ना पड़े कि भाई मुझे जिगल में कितनी मूवमेंट देनी है, मतलब अपनी मसल मेमोरी में तुम्हें अच्छे से बैठा लेना है। क्योंकि भाई अगर तुम फाइट के बीच में अपने जिगल पर ध्यान दोगे ना, तो भाई तुम अपने एम पर फोकस नहीं कर पाओगे। और भाई ट्रस्ट मी, अगर फाइट के बीच में तुम्हारा ध्यान एम को छोड़ के भाई कहीं और है ना, तो तुम कितना भी अच्छा जिगल दो, तुम वो फाइट हारोगे, 100% हारोगे। तो इसलिए फाइट के बीच में ना कभी भी आपका ध्यान जिगल के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान हमेशा एम के ऊपर होना चाहिए। तो भाई अभी तक तुम समझ गए होगे कि बंदा अगर तुमसे 0-10 मीटर के डिस्टेंस पे है तब तुम्हें यूज करना है शॉर्ट जिगल, पर लेकिन भाई अगर तुमसे बंदा 10 मीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस पे है ना, तब तुम्हें यूज करना है लॉन्ग जिगल। क्योंकि भाई जब तुम लोग लॉन्ग जिगल यूज करते हो ना, तो तुम्हारी एम की थोड़ी स्टेबिलिटी ना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर एनिमी तुमसे थोड़ा डिस्टेंस पे भी है तो भी तुम एनिमी को इजीली मार पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बुलेट्स ज़्यादा एक्यूरेटली कनेक्ट होती हैं। तो भाई अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपने लॉन्ग जिगल की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो भाई सबसे पहले तो आपको इस जगह पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको टेबल के इस एंड से लेके इस एंड तक अपनी मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है। हमने शॉर्ट जिगल में बस एक ही टेबल को कवर किया था, अभी हम दोनों टेबल्स को कवर करने वाले हैं। और भाई बहुत सारे बंदे ना कमेंट करके बोलते हैं कि भाई जिगल करते हुए हमसे एम नहीं होता, तो भाई उसके लिए भी मैं इस वीडियो में तुम्हें आगे ड्रिल बताने वाला हूँ, और तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि जोनाथन की सीक्रेट मूवमेंट टेक्निक क्या है। पर उससे पहले जितने भी कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं या फिर जितने भी क्लासिक प्लेयर्स हैं जो कि मीरामार खेलते हैं, भाई मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। भाई जब भी तुम रिजिस फाइट ले रहे होते हो ना मीरामार में, तो तुम्हें कभी भी अपना नॉर्मल जिगल नहीं देना होता है। भाई मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को देखा जिनके पास अच्छा खासा रिज का कवर होता है, फिर भी बंदे कवर से बाहर निकल के जिगल टू जिगल फाइट लेते हैं। और भाई अगर तुम ऐसा करते हो ना, तो आगे से कभी मत करना, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव में ऐसा होता है अगर कोई बंदा तुम पे रश कर रहा है ना, तो 100% उसका पीछे से कवर आएगा, और अगर तुम अपना कवर छोड़ के भाई ओपन में जाके जिगल जिगल फाइट लोगे, तो भाई पीछे वाला बंदा तुम्हारी पेटी बना देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई इसीलिए आपको रिजिस की फाइट में हमेशा इस तरह से अप डाउन जिगल देना चाहिए, ताकि जो बंदा आप पे रश कर रहा है उसको भी आपको मारने में दिक्कत हो, और जो बंदा पीछे से कवर दे रहा है उसको भी आपको मारने में दिक्कत हो। तो चलो भाई अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम्हें अपना जिगल के साथ साथ एम कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि जब तक तुम्हारा एम अच्छा नहीं होगा, तुम कितना भी अच्छा जिगल दो, तुम भाई सामने वाले बंदे को नहीं मार पाओगे। तो भाई अपने एम को इंप्रूव करने के लिए तुम्हें यहाँ पे आके ना थ्रोएबल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है, और थ्रोएबल ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद तुम्हें भाई जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तुम्हें ऊपर से ना भाई ट्रेनिंग को कैंसिल कर देना है। अब भाई ऐसा करने से क्या होगा ना, ट्रेनिंग ग्राउंड में जितने भी टारगेट्स हैं, तुम उन पर कितनी भी गोली मार लो, वो डाउन नहीं होंगे। उसके बाद तुम्हें इस जगह पे आ जाना है, एग्जैक्ट जो 150 मीटर वाला टारगेट है ना, इसके साइड वाला जो टारगेट है, तुम्हें इस टारगेट पे जिगल करते हुए फायरिंग करनी है। और भाई तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हारा जो क्रॉस एयर है ना, इस टारगेट के बिल्कुल हेड लेवल पे हो, क्योंकि जो टारगेट है ना भाई, इसकी हाइट बिल्कुल तुम्हारी हाइट के बराबर है, और भाई जो टारगेट की मूवमेंट है ना, ये भी बिल्कुल एक एनिमी की जिगल के बराबर है। और भाई अगर तुम लोग यहाँ पे आके अपनी जिगल प्लस एम ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करते हो ना, तो भाई मुझसे लिख के ले लो, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तुम क्लासिक, टीडीएम, कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे भी 1v1 फाइट लोगे भाई, तुम गंदा मारने वाले हो सामने वाले बंदे को। तो चलो भाई अब मैं तुम्हें उस जिगल मूवमेंट के बारे में बता देता हूँ जिसकी बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। और भाई जोनाथन जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स भी इस जिगल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो भाई अब मैं तुम्हें इस जिगल के बारे में बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो भाई सपोज करो सामने से तुम पे एक बंदा रश कर रहा है, अब तुम लोग क्या करोगे भाई, कवर से बाहर निकल के भाई जिगल देने लग जाओगे, और भाई बंदे को मारने का ट्राई करोगे, और भाई यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। भाई एक अच्छा प्लेयर कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, क्योंकि भाई अगर तुम कवर के बाहर निकल के जिगल टू जिगल फाइट लोगे ना, तो भाई सामने वाला बंदा तुम्हें फ्री फायर में ही लपेट
लपेट जाएगा। और भाई एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि भाई तुम्हारा एम बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा मूवमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और भाई सामने वाला बंदा तुम्हें फ्री फायर में नहीं मार पाता है। और भाई जैसे कि मैंने तुम्हें वीडियो में पहले बताया था, भाई कॉम्पिटेटिव में एक बंदा जरूर होता है अपनी टीममेट को कवर देने के लिए। तो भाई जो पीछे वाला बंदा होगा ना, वो अपने टीममेट को कवर देगा और भाई तुम्हें आराम से नॉकआउट कर देगा और तुम भाई वहीं पे मर जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैकवर्ड मूवमेंट देते हुए जिगल करना है, ताकि तुम डायरेक्टली अपना कवर छोड़ के बंदे पे ना जाओ, बल्कि बंदा अपना कवर छोड़ के तुम पे आए। और भाई बंदा जैसे ही अपना कवर छोड़ के तुम पे आएगा, तो तुम बंदे को फ्री फायर में इजीली मार दोगे। अब भाई मैं तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो भाई अभी आप लोगों ने देख लिया होगा, भाई मैंने बंदे के मुंह पे जाकर जिगल टू जिगल फाइट नहीं ली, उल्टा मैंने क्या किया भाई, मैंने बैकवर्ड मूवमेंट दी और मैंने इस बंदे को फ्री फायर में ही नॉक कर दिया। तो भाई मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जिगल से रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी अगर आप लोगों को स्प्रिंट सेंसिटिविटी या फिर जोस्टिक से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दोनों ही वीडियोस का लिंक लगा दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।